हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के यूनिट फोर के एम क्वेश्चन एम के क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री की जो हमारी एम के क्वेश्चन की वीडियो है उसको हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं यदि आप वो नहीं देखें तो उसको जाकर के उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा आप हमारी जा करके तीनों मिनट की वीडियो ज़रूर देखें तो फ्रेंड आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कन्नो दें यदि आप, दे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन सी वी आर टेज द वैल्यू ऑफ़ सी वी आर इज कैलकुलेटेड एट तो इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा और बी भी, भी करेक्ट होगा जो हमारी सी वी आर वैल्यू होती है वो हमारे डाई एम एम पेनिट्रेशन पे भी कैलकुलेट होती है पाँचवें पे न्यूट्रेशन पे भी कैलकुलेट होती है तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सब ग्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द मेटेरियल नॉट इंक्लूड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड पेट्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एवर एवर इम्बैकमेंट इज कॉल्ड तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सब ग्रेड और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द हाइएस्ट सी बी आर नंबर रिक्वायर्ड फॉर तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा सब ग्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड अब देखिए सी जो सी नंबर होता है हमारा जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे हमारा जो सी नंबर है वो डिक्रीज करता जाता है ठीक है फ्रेंड और देखिए जो सॉयल होती है वो सी हाइएस्ट सी वैल्यू रिक्वायर्ड होता है सॉयल के लिए और जो पेमेंट होती है उसके लिए लोवेस्ट सी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वेस्ट मटेरियल यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्लाई एस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड बिटोमिन इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पेट्रोलियम नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द ग्राउंड वाटर टेबल राइज टू द ग्राउंड लेवर देन दी बेयरिंग कैपेसिटी रिड्यूस बाई तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वन बाई टू यदि कहीं आपको परसेंटेज के टर्म में दिखता है तो आप डायरेक्ट इसको फिफ्टी परसेंट ऑला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर रिमूव द वाइड ऑफ रिमूवल ऑफ वाइड्स इन सॉइल तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कॉम्पैक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पेमेंट स्टोन एग्रीगेट डू नॉट हैव टू हैजिस्ट तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सॉयल लोड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट इज यूज टू मेजर तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा टफनेस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू रजिस्ट मोर वेदरिंग एक्शन एंड विल लोड इज कॉल्ड तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड इफ द एग्रीगेट आर एक्सपेंसली एक्सपेक्टेंसली स्ट्रांग देन दे आर हैविंग इम्पैक्ट वैल्यू विच इज तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड लेस देन टेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ़ ए शुड बी विद इन द रेंज ऑफ तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा टू पॉइंट सिक्स टू टू पॉइंट नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रसिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिटरमाइंस इट्स तो इसका ऑप्शन सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा स्ट्रेंथ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द फ्लैकनेस इंडेक्स फॉर सर्फिस ड्रेसिंग शुड नॉट एक्सीड तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द फ्लैकी शुड नॉट एक्सीड तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा थ्री बाई फोर्थ था मेन डायमेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कीड रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ आप भी डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए इसका ब्रिटिश पेंडुलम नंबर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ विटामिन इज मेजर्ड बाई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्कोसिटी टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द सॉल्वेंट यूज इन कटबैक विटामिन इज तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा केरोसिन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द बिटोमिन सरफेस बिकम स्टीप इन कौन विस सीजन तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विंटर सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू सैंपल इन पेनिट्रेशन टेस्ट शुड बी तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा टेन एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिटोमिन ग्रेड इज हार्डर तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा थर्टी बाई फोर्टी बिटोमिन ग्रेड आर हार्डर देन अदर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द टेम्परेचर इन पेनिट्रेशन टेस्ट इज तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस आई यूनिट ऑफ बिस्कॉसिटी इज तो इसका करेक्ट आंसर हमारा पास्कल सेकेंड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ विटामिन इन द गिवन ऑप्शन इन डिग्री सेल्सियस विल बी तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस इसका देखिए मैं इसको एक्सप्लेन भी किया हूँ द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ विटामिन इज बिट वेरीज बिटवीन थर्टी फाइव टू सेवेंटी डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड मैक्मम साइज आप एग्रीगेट इन बेस कोर्स ईज तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बीओला फिफ्टी एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम साइज आप एग्रीगेट इन सरफेस कोर्स ईज तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा टीन पॉइंट फाइव एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द स्पेसिफाइड मेथड फॉर बिटोमिन मिक्स इज इन इंडिया इज तो इसका करेक्ट आंसर हमारा मार्शल मेथड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन इज यूज टू कंडक्ट तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एब्रेशन टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ ऑन बिटोमिन इज यूज फॉर डिटरमाइन इट्स तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा ग्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिम लिमिट ऑफ वाटर एबजॉर्सन फॉर ए ग्रीगेडेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इज इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द ब्रिक्वेट मोल्ड इज यूज टू फाइंड आउट तो इसका करेक्ट आंसर हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रेपिड क्यूरिंग बैक द ऑयल यूज इज तो इसका करेक्ट आंसर हमारा गैसोलीन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड रिंग एंड बॉल अपरेटर्स इज यूज फॉर डिटरमाइन ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सॉफ्टनिंग पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सर्फेस ऑफ हाईवे पेमेंट शुड बी डिजाइन टू अलाउ तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड लो रोलिंग रेजिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन की मुँ, तरफ मूव करते हैं द सल बिकम्स वीक इन तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा रेनी सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेमेंट लेयर इज कंसिडर सुपीरियर इफ इट्स इट डिस्ट्रीब्यूट लोड लाइक ए तो इसका ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा पॉइंट लोड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेमेंट हैज़ ग्रेटर लाइफ तो इसका ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज गिवन मोस्ट इंपॉर्टेंस इन हाईवे डिज़ाइन तो इसका ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड स्ट्रक्चरल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सर्फेस ऑफ पेमेंट शुड बी तो इसका ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड सफिशियंट इनफ टू रजिस्ट स्कीड ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रफ एंड इवेन रोड इनक्रीज तो इसका ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा व्हीकल ऑपरेशनल कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। ड्रेनेज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ड्रेनेज तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सब बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द मैक्सिमम स्ट्रेस सस्टेंड बाय कॉन्क्रीट पेमेंट तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फोर्टी फाइव किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द आईपीसीबी टाइप ऑफ पेमेंट इज तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कॉन्क्रीट पेवर ब्लॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईपीसीबी मे बी यूज्ड इन तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वाटर लॉक्ड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ऑ वाटर लॉक्ड एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द डिज़ाइन लाइफ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा फिफ्टीन ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द डिजाइन पीरियड ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इज टेकन एज तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा थर्टीन ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया फ्लेक्सीबल पेमेंट इज डिजाइंड एज तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड एम एस ए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल दैट कैन बी यूज ऑन इंडियन रोड इज़ तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड ट्वेल्व अब हम कुछ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिज़ाइन के बारे में देखेंगे फ्रेंड और उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे देखिए द मोस्ट सुपीरियर मटेरियल इज यूज इन तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट सरफेस हो जाएगा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्स अब ग्रेट सुटेबल फॉर पेमेंट इज तो इसका ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड ग्रेवल नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रेनेज लेयर इज तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी सब बेस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस थिकनेस ऑफ कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा थ्री हंड्रेड एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली टेस्ट यूज इन यूलटिंग सॉयल स्ट्रेंथ तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सी वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द सी वी आर स्टैंडर्ड पेनीट्रेशन इज तो इसका ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा ढाई एम mm. एम नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ सील कोट इज तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ट्वेंटी एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इन द पेमेंट इज तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड थर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इन पेमेंट शुड बी लेस देन तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फोर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए द स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे आर प्रिपेयर्ड बाई तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मोर्थ मोर्थ का मतलब आप समझते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे कहीं नोट कर लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे इसका मोर्थ का हमारा फुल फॉर्म होता है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फैक्टर कंसीडर फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट इज तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फाइव वो फाइव जो हमारे फैक्टर्स होते हैं एक हमारा होता है विल लोड होता है सॉयल होती है क्लाइमेट होता है पेमेंट लेयर होती है ड्रेनेज होता है फ्रेंड ये पांच फैक्टर हैं जिसपे हमारी फ्लेक्सिबल सॉरी पांच ये हमारे फैक्टर हैं जो हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट को कंसीडर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द कॉन्टैक्ट प्रेशर इज गिवन बाई तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पी अपॉन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलर सर्कुलर लोड वाज ऑपटेंड बाय तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी बॉसिकनेस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डिजाइन ऑफ पेमेंट थिकनेस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा फिच फ्रॉस्ट डेंजरस फिज फ्रॉस्ट हैप इज डेंजरस तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी अनवेन फ्रॉस्ट हीव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द हमारा द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कॉज तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्वेलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा द रेट ऑफ ग्रोथ इन ट्रैफिक इन अर्बन एरियाज इज रजूम्ड एज तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड वॉट इज़ द स्टैंडर्ड विल लोड इन ई डब्ल्यू आई फैक्टर सॉरी ई डब्ल्यू एल फैक्टर तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फोर जीरो एट जीरो के जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा द इक्वेलेंट विल लोड फैक्टर आर कैलकुलेटेड बाई यूजिंग इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा फोर्थ पावर लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा द लोडर्सन इजूम एट एन एंगल ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा रिवाइज लीगल लोड ऑफ एस सी वी इन इंडिया इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा टेन पॉइंट टू क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा द प्रेशर इन न्यूमेटिक टायर नॉट एक्सीड तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नाइन पॉइंट फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लेयर सिस्टम द मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिक विल बी इक्वल फॉर ऑल लेयर्स तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगल नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सुपीरियर मटेरियल यूज इन पेमेंट तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी बिटुमेन नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर विच हाई है ऑफ इलास्टिसिटी इज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड व्हाट इज द मिनिमम डिफ्लेक्शन इन प्लेट बेयरिंग टेस्ट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द डाया प्लेट इन प्लेट लोड टेस्ट इज तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड थर्टी सेंटीमीटर ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टेंट इन डिजिट पेमेंट इज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी वन पॉइंट वन एट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड इन तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तो एम एम mm. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल इज रिज्यूम्ड एज तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेथड देयर आर देयर टू डिजाइन ए फ्लेक्सिबल पेमेंट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी थ्री तीन मेथड होते हैं एक हमारा होता है एम्पेरिकल मेथड दूसरा हमारा सेमी एम्पेरिकल मेथड और तीसरा हमारा थ्योरेटिकल मेथड तीन मेथड होते हैं डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्पेरिकल मेथड इज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सॉयल नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रेस स्ट्रेन अप्रोच इज यूज इन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका सेमी एम्पेरिकल मेथड ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सी वी आर इज ए तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन मेथड जो सी वी आर मेथड होता है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन का एक मेथड है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द डिजाइन चार्ट आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन तो इसके चार ऑप्शन है हमारा ए क्लाइमेट बी पास्ट एक्सपीरियंस सी लोकेशन एंड डी ट्रैफिक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पास्ट एक्सपीरियंस ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच मटेरियल द सेमी एम्पेरिकल मेथड इज यूजफुल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द सीवीआर मेथड was डेवलप्ड by तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोकिंग पीरियड इन सीवीआर सैंपल इज तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड फोर डेज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड कॉन्स्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एज पर मोर्थ द इस स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन ऑफ डेंसिटी इज तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हंड्रेड परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द टॉप फाइव हंड्रेड एम एम ऑफ साइल्स अब शुड बी कॉम्पैक्टेड एट तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ओ एम सी ओ एम सी का मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल सोकिंग शोकिंग स्पेसमैन इज नॉट रिक्वायर्ड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा फाइव हंड्रेड एम एम ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन सी वी आर मेथड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्वेंटी एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द क्रिटिकल स्ट्रेस इज कंसीडर इन तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ सबग्रेड एंड सरफेस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं द डिजाइन फैक्टर नॉट कंसिडर्ड इन सीबीआर इज तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वेदर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड द हैवी कॉमर्शियल विकल द हैवी कमर्शियल व्हीकल आर कंसिडर्ड इफ वेट एक्सीड तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा थ्री पॉइंट जीरो टी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एक्सल लोड स्टडीज आर कैरिड आउट ऑन ए मिनिमम सैंपल ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्वेंटी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द ओवरले डिजाइन इज लेड फॉर मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेन ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द मोस्ट कॉमनली यूज ओवरले यूज ओवर ले तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लेक्सिबल ओवर फ्लेक्सीबल नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द एवरेज बी आई कंसिडर फॉर पेमेंट स्टडीज आर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वन फिफ्टी टू फिफ्टीन हंड्रेड तो फ्रेंड अब हम कुछ क्वेश्चन आपका रिजिट पेमेंट पे देखेंगे उसके बाद ए हमारी यूनिट पूरी कवर हो जाएगी तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी वीडियो पसंद आ रही होगी फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे ये होगा कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी तो रिजिट पेमेंट पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दी क्यू पी क्यू सी डी नोट्स तो इसका कर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट कौलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर नॉट रिक्वायर्ड इन सीमेंट रोड इज़ तो इसका ऑप्शन ए कर इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द सीमेंट स्लैब इज प्रोवाइडेड विथ तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बूथ बी एंड सी देखिए इसमें आपका लॉन्गेट जॉइंट्स भी जॉइंट भी होगा और ट्रांसवर्ट जॉइंट भी होगा इसलिए ऑप्शन डी में हमारा बी एंड सी दिया है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द सल सब ग्रेड डिजाइन इज डन बाई तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड प्लेट लोड प्लेट बेयरिंग टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फेल्यूर इन रिजिट पेमेंट ऑकस्ट ड्यू टू तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लेस कॉम्फेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल प्रेफर्ड इन जी एस बी लेयर ऑफ पेमेंट तो इसका हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द फेल्यूर इन जी एस बी लेयर ऑफ रिजिट पेमेंट इज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी पंपिंग एंड ब्लोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रेनेज लेयर ऑफ पेमेंट कैन तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इंक्रीज द पेमेंट लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस कोर्स यूज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ड्राई इन कॉन्क्रीट नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिंग स्पेसिंग बिटवीन कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन रिजिट पेमेंट इज तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फाइव मीटर सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फाइव मीटर फ्रेंड अब देखिए मैं आपको कुछ तीन पॉइंट बताता हूँ जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट से रिलेटेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा विथ जॉइंट आर आर विध जॉइंट आर प्लान बट टाइप और डमी टाइप जॉइंट तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कॉन्ट्रक्शन जॉइंट जो हमारा कॉन्ट्रक्शन जॉइंट होता है हमारा उसको प्लान बट टाइप या डमी टाइप जॉइंट भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विद जॉइंट आर इन द फॉर्म ऑफ बट जॉइंट विथ टाइप आर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्पिंग जॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच जॉइंट आर प्रोवाइडेड एट राइट एंगल्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसन जॉइंट तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही हमने यूनिट फोर के टोटल क्वेश्चन कवर कर लिए हैं फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड इस पी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा आप जा करके वहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो